दोस्तों, आज हम भले ही किसी भी मुकाम पर हैं, लेकिन हम सभी के पूर्वज अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे, जिससे ये पता चलता है ये एग्रीकल्चर सेक्टर बेहद प्राचीन है। फिर भी सेक्टर में टेक्नोलॉजी ज्यादा ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन आज हम इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्प्रेयर और स्प्रेयर चार्जर को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे, जिससे किसान भाइयों का काम बेहद आसान बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पहले किसान भाई अपने खेतों में छिड़काव करने के लिए हाथों से चलने वाले इस मशीन का इस्तेमाल करते थे, जिसे लंबे समय तक चलाने पर किसान भाई के हाथों में दर्द पकड़ लेता था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर पंप सभी किसानों के दिल पर राज कर रहा है, जिससे किसान भाइयों का काम बेहद आसान बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी के दाने को मोल्डिंग मशीन में डालकर स्प्रेयर बॉडी का शेप देते हैं। फिर एक वर्कर इनके एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर स्मूथ बनाता है। अब इन टैंक के अंदर पानी डालने के लिए इनमें दो होल वाले प्लास्टिक को वेल्डिंग करते हैं। फिर इस स्प्रेयर बॉडी के ऊपर कंपनी का नाम प्रिंट करके बैटरी को तैयार करते हैं। उसके लिए इस बैटरी में लगे छोटे छोटे सेल को बनाया जाता है। इसके लिए लिथियम पाउडर को मिक्सर मशीन में डालकर एक पेस्ट को तैयार करते हैं। फिर इन्हें एल्यूमिनियम शीट पर लगाकर कैथोड प्लेट को तैयार करते हैं, जिसे पॉजिटिव प्लेट भी कहा जाता है। फिर इन्हें लिथियम पेस्ट को कॉपर शीट पर लगाकर एनोड प्लेट तैयार करते हैं, लेकिन इस प्लेट को नेगेटिव प्लेट कहा जाता है। अब इन प्लेट पर लगे पेस्ट को सुखाने के लिए इन्हें 302 डिग्री फारेनहाइट वाले टनल से पास करके छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं। अब इन एनोड प्लेट के पीस को सेल की तरह रोल करके उसके ऊपर इंसुलेटेड सेपरेटर और कैथोड प्लेट को रोल करते हैं। फिर इनके अंदर कार्बन रॉड को डालकर इन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे की ओर भेजते हैं, जहां इन्हें स्टील कैन के अंदर डाला जाता है। फिर इन टॉप कैप यानी पॉजिटिव टर्मिनल को सेल से अटैच करके नेगेटिव टर्मिनल को भी लगाया जाता है। अब इन सेल के ऊपर पीवीसी लेबल को लगाकर सेल को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। अब इन छोटे छोटे सेल को बैटरी के रूप में बनाने के लिए इन सेल को पेपर से बने कवर में डालकर सभी सेल को एक साथ अरेंज करते हैं। फिर इन सेल के बीच में ग्लू लगाकर सभी सेल के ऊपर एक स्टील प्लेट को रख कर वेल्डिंग करते हैं। अब इनके ऊपर टेप लगाकर 8 और सेल को रख कर इनके टर्मिनल पर सोल्डिंग करके वायर को अटैच करते हैं। अब इन बैटरी के नीचे वाले हिस्से पर दो वायर अटैच करके डबल टेप को लगाते हैं। फिर इसके ऊपर पीसीबी प्लेट को रख कर इससे बैटरी के दोनों वायर को अटैच करते हैं। दोस्तों, पीसीबी का वर्क बैटरी में होने वाले शॉर्ट सर्किट और ओवर चार्जिंग को रोकता है, जिससे बैटरी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। फिर इनके चारों साइड में टेप लगाकर इन्हें बैटरी के बॉडी में डालते हैं। फिर बैटरी के वायर को टर्मिनल से अटैच करके ग्लू लगाकर बैटरी को क्लोज कर देते हैं, जिससे आपका बैटरी बनकर तैयार हो जाता है। अब इन स्प्रेयर पंप में इस्तेमाल होने वाले मोटर को बनाने के लिए सबसे पहले रोटर के बीच में प्लास्टिक इंसुलेटर को डालकर कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहां वाइंडर मशीन इन रोटर में कॉपर का वाइंडिंग करता है। फिर इन रोटर को बाहर निकाल कर इंस्पेक्शन करते हैं, जहां इन रोटर का सही क्वालिटी पता चलता है। अब मोटर के बॉडी को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहां एक वर्कर इन रोटर में सर्किट लगाकर मोटर के आउटर बॉडी में फिट करता है। फिर इनका क्वालिटी टेस्टिंग करके इनमें छोटे छोटे पार्ट्स और बियरिंग को असेंबल करते हैं। फिर लास्ट में स्विच और मोटर को असेंबल करके इसके बॉडी को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं। इस तरह से स्प्रेयर पंप का सारा पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहां सबसे पहले स्प्रेयर के बॉडी में दोनों बेल्ट को लगाते हैं। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रख कर इनमें स्विच, प्रेशर कंट्रोलर और चार्जर होल को असेंबल करके लास्ट में वोल्टमीटर को लगाते हैं। दोस्तों, वोल्टमीटर चार्जिंग के दौरान वोल्टेज को दिखाता है। फिर इनमें पतले पाइप को लगाकर मोटर से कनेक्ट करते हैं। अब इस मोटर को स्प्रेयर के बेस वाले हिस्से में फिट करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं।
अब बारी आती है सभी वायर को एक दूसरे वायर से अटैच करने की। जब मोटर के पॉजिटिव वायर को इन सभी कंपोनेंट के पॉजिटिव वायर से जोड़ते हैं, जैसे स्विच, प्रेशर कंट्रोलर, चार्जर होल और वोल्ट मीटर। फिर लास्ट में इन वायर के ऊपर ब्लू कैप लगा कर मोटर के नेगेटिव वायर को इन सभी कंपोनेंट के नेगेटिव वायर से जोड़ते हैं। फिर इन्हें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर सर्किट को कंप्लीट करते हैं। अब इन सर्किट को चेक करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है। फिर बैटरी को स्प्रेयर पंप के बेस में फिट करके बैटरी कवर लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब सारे वायर को अरेंज करके लास्ट में बेस कवर को असेंबल करते हैं। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर लाकर एक वर्कर द्वारा इनमें कैप को लगाया जाता है और इसके पाइप में क्लच जैसा दिखने वाला हैंड स्विच को लगाकर स्टील से बने लेंस पाइप को लगाते हैं। अब इस टैंक में लीकेज है या नहीं इसे चेक करने के लिए इनमें वाटर को फिल करके नोजल के रास्ते निकालते हैं, जहां नोजल का सावरिंग प्रेशर पता चलता है। इस तरह से सारा टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद स्प्रेयर पंप का पावर हाउस यानी चार्जर को बनाया जाएगा। तो चलिए हम आपको चार्जर मेकिंग यूनिट में ले चलते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी को मोल्डिंग मशीन से तैयार करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को निकालते हैं, जिससे चार्जर का बॉडी बनकर तैयार हो जाता है। फिर पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाने के लिए ग्रीन प्लेट को ऑटोमेटिक मशीन में डालकर सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी ट्रांजिस्टर, किट, ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर को लगाते हैं। फिर इन्हें छोटे छोटे पार्ट में कटिंग करके इनमें चार्जिंग वायर और सिलिका जेल को लगाते हैं। दोस्तों, सिलिका जेल एक ग्लू का काम करता है। फिर इस पीसीबी को चार्जर बॉडी में असेंबल करके इसका टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं और चार्जर में कोई खराबी ना होने पर इन्हें पॉलीथीन में पैक करके स्प्रेयर पंप में डाल देते हैं। और इसी दौरान इनमें हैंड स्विच, नोजल और वाटर फिल्टर को डालकर लास्ट में कैप को लगा देते हैं। फिर इनका पैकिंग प्रोसेस करने के लिए एक वर्कर लेंस पाइप और स्प्रेयर पंप को एक बॉक्स में डालकर बॉक्स को क्लोज कर देता है। और फाइनली इस तरह से हमारे किसान भाइयों के दिल पर राज करने वाला स्प्रेयर पंप पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट कर जरूर बताना।